Today we are going to discuss difference between consumption good and capital goods. Clear? तो बेसिकली जब हम बात करते हैं हमारे सामने फाइनल गुड्स है. फाइनल गुड्स की दो टाइप्स हैं. एक टाइप है आपकी कंजप्शन गुड, क्योंकि हमने फाइनल गुड्स की क्या डेफिनेशन की थी. फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स जो या तो हम कंज्यूम कर लेंगे या फिर हम क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे. जो हम कंज्यूम कर लेंगे दैट इज़ नोन एज अ कंजप्शन गुड, और जो हम इन्वेस्ट कर देंगे दैट इज़ नोन एज अ कैपिटल गुड्स. क्लियर? अब कंजप्शन गुड्स के भी आगे टाइप्स हैं. जैसे कुछ कंजप्शन गुड्स जो होती है वो ड्यूरेबल गुड्स होती है, मतलब जो सालों साल चलती है. जैसे टीवी, फ्रिज, ये क्या बन गए आपके ड्यूरेबल गुड्स. कुछ होती है आपकी सेमी ड्यूरेबल गुड्स जिनकी लाइफ अराउंड 1 ईयर तक की होती है, जो बार बार यूज तो हो सकते हैं बट काफ़ी टाइम तक नहीं चल सकते. जैसे क्लोथ्स, शूज़, ये आ जाएंगे. और कुछ चीज़ें आपकी क्या होती है नॉन ड्यूरेबल, जिन्हें आप सिर्फ वन टाइम यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आपके क्या आ गए इसके अंदर, ब्रेड, बिस्किट्स, यू कैन नॉट यूज़ इट अगेन एंड अगेन. ठीक है? एंड द लास्ट इज सर्विसेज. क्लियर? जिस सर्विसेज ऑफ टीचर, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, आप इन्हें कंजप्शन करते हो इनकी. फिर जब बात करते हैं व्हाट आर द कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, तो ये जो होते हैं ये दूसरी गुड्स की प्रोडक्शन में काम आते हैं. नाउ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द कैपिटल गुड्स, एक तो ये दूसरी गुड्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और ये कभी भी अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते. दे विल नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. मतलब जैसे मशीन जो है तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करती है, लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देता है, लूज कर देता है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. उसके अलावा दे नीड रिपेयर, इनको क्या होती है, रिपेयर की ज़रूरत होती है. क्लियर? आ गया समझ? या फिर इनको रिप्लेस भी करना पड़ता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. डन? नाउ यू हैव टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन द कंजप्शन गुड एंड कैपिटल गुड्स. कंजप्शन गुड एंड कैपिटल गुड्स. जब हम बात करते हैं कंजप्शन गुड्स की, तो ये वो गुड्स है जो बेसिकली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वॉन्ट्स को. दे सेटिस्फाई द ह्यूमन वॉन्ट्स डायरेक्टली, क्योंकि ये भी ह्यूमन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करते हैं बट इनडायरेक्ट तरीके से. जैसे ये ऐसी गुड्स बनाएंगे, जैसे मशीन है, मशीन ने क्या किया, ब्रेड बनाई, ब्रेड ने ह्यूमन वॉन्ट को सेटिस्फाई किया, तो ब्रेड क्या है, कंजप्शन गुड है, क्योंकि उसने डायरेक्टली सेटिस्फाई किया. लेकिन ब्रेड बनी मशीन पे, तो मशीन की वजह से ही वॉन्ट सेटिस्फाई हुई है, तो दे सेटिस्फाई द ह्यूमन वॉन्ट इनडायरेक्टली. देन फिर जब हम बात करते हैं कंजप्शन गुड की, तो ये सिर्फ कंजप्शन के लिए यूज होती है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में इसका आगे यूज नहीं होता है. मतलब दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी. लेकिन जब हम मशीनें ज़्यादा लगाएंगे तो प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी. तो दे प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी. देन ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो कंजप्शन गुड्स हैं
इनकी जो लाइफ होती है ना, कुछ की लिमिटेड होती है, कुछ की क्या होती है, अनलिमिटेड, जैसे टीवी वगैरह है। तो मोस्ट ऑफ कंजप्शन गुड, मोस्ट ऑफ कंजप्शन गुड्स एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन सी बताई थी? टीवी वगैरह। तो उनको छोड़ के, एक्सेप्ट मतलब उनको छोड़ के, जो बाकी मोस्ट ऑफ द कंजप्शन गुड्स हैं, दे हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ। इनकी लाइफ क्या है? लिमिटेड है। क्लियर? तो जब बात करते हैं कैपिटल गुड्स की, तो दे हैव एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो कैपिटल गुड्स हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज़्यादा टाइम की इनकी क्या होती है? एक्सपेक्टेड लाइफ होती है। एंड विद दिस द डिफरेंस इज कंप्लीट।